Good morning, children. Family man is again here for the Hindi class. Now, children, in last video, I taught you about the new matra. कौन सी मात्रा बताई थी मैम ने? E. कौन सी मात्रा बताई थी? E. और मैम ने आपको ये भी बताया था E की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षर के बाद. ठीक है? और E की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षर से पहले. ठीक है, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ई अक्षर से पहले लगती है, ई अक्षर के बाद लगती है. ठीक है, और एक बार फिर से मैम बता रही हूँ कैसे बनती है की मात्रा. वन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व. ओके, सो और उससे मैम ने आपको कुछ ई मात्रा के शब्दों की राइटिंग भी करवाई थी. ठीक है, आज मैम कुछ शब्द और लेके आई हैं जिनकी मैम आपको नाम लिखना सिखाएंगे. मैंने यहाँ चित्र बनाए और उनके नाम हम के आगे लिखेंगे, बट मात्रा बहुत सही लगा. ठीक है, तो सबसे पहली पिक्चर इसकी सब पहचानते? यस, क्या है? मछली. म छ ली. नाम किसकी आवाज आ रही है? देखिए इसमें दोनों ई की मात्रा लगी है. कौन सी की मात्रा? कोई मात्रा नहीं. ली मतलब सी की मात्रा है. ली तितली. त में ई मात्रा अक्षर से पहले लगी है एंड ली अक्षर की बाद. क्या वर्ड है? तितली. ठीक है, नेक्स्ट है ग ग री. रमे ई की मात्रा. गक री. गक री. और देखिए ग का फर्स्ट पोर्शन नीचे लाइन में टच नहीं होता, ओनली स्टैंडिंग लाइन में टच विथ बॉटम लाइन. ओके, गक री. फिर ढपली. ढपली. नेक्स्ट है पपीता. प पी ता. ता में किसकी मात्रा है? आ. पपीता. प प में की मात्रा पी ता. त में आ की मात्रा ता. पपीता. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर है. यस, क्या है? दीवार. द द ई मात्रा. दी वो में आ की मात्रा वा. र दीवार. क्या बोलेंगे हम इसको? दीवार. ठीक, नेक्स्ट पिक्चर है दिया. दी या. दिया. 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 देन लास्ट पिक्चर इज खीरा. ख की मात्रा. खीरा. खीरा. ख की मात्रा खीरा. खीरा. और मैम मैं आपको हर बार बता रही हूँ
कि ई की मात्रा का जो कर्व होता है वो स्टैंडिंग लाइन से अक्षर की स्टैंडिंग लाइन बन जाता है। ठीक है, आप कई लोग ऐसे करते हैं कि ई मात्रा जैसे ख है, बस ये ख लिखा और यही पर मात्रा लिखा, ये फॉर्म है। ठीक है, मात्रा पूरी कहां तक जानी, स्टैंडिंग लाइन से स्टैंडिंग। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, आज मैंने आपको उस पिक्चर्स के नाम लिखना सिखाया, आपको इन्हें अपनी कॉपी में दो तीन बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैम ने आपके लिए ये वर्कशीट रेडी की। ठीक है, नीचे मैम ने नाम लिखा है, आपको यहाँ 3-4 times नीचे लिखना है और सारी पिक्चर्स में आपको कलर करना है। अब मैम आपसे कॉपी करेक्शन के लिए मंगाने वाली है और मैम को आपका काम नीट एंड टाइडी चाहिए एंड डेट वाइज। सो सबसे पहले आप डेट डालिए जब भी आप काम शुरू करते हैं, आज की डेट, और उसके बाद काम शुरू करें। ठीक है, तो आज का ये आपका रिटन वर्क है। नाउ इसके बाद हम करेंगे कुछ शब्दों की रीडिंग। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज योर रीडिंग वर्ड्स। ठीक है, कौन सी मात्रा के रीडिंग वर्ड्स है, ई मात्रा के। कौन सी मात्रा के रीडिंग वर्ड्स है, ई। ठीक है, मैम के साथ साथ रीडिंग करेंगे, ख ई मात्रा, खीर, खीर। व ई मात्रा, वीर, वीर। न ई मात्रा, नीर, नीर। त ई मात्रा, तीर, तीर। नीर का मतलब क्या होता है, पानी, हम पानी को नीर भी कहते हैं। ठीक है, जल भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड लाइन, क ल ई मात्रा, ली, क ली। ब र ई मात्रा, री, ब री। छ र ई मात्रा, री, छ री। ग ल ई मात्रा, ली, ग ली। नाउ ये है तीन अक्षर की ई मात्रा के शब्द, ग र म ई मात्रा, मी, गर्मी। ब क री, बकरी। म क री, मकरी। ल क लकड़ी, लकड़ी। क क री, कक री। चट नी, आपको दो अक्षर के शब्द तो पढ़ने आते हैं ना, तो उसको तो आप आसानी से पढ़ सकते। जट नी। जी वन, जी वन। धी रज, धी रज। ठीक है, यहाँ पे दो अक्षर बिना मात्रा के तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, खीर, वीर, नीर, तीर। फिर कली, बकली, छली, गली। फिर गर, 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 नी। बकली, मकली, लकली, कतली, चटनी। जीवन, धीरज। ये कौन सी मात्रा के शब्द है, ई मात्रा के। और आपको सारे मात्रा के शब्दों, आ ई, ई, सारे मात्रा के शब्दों की डेली रीडिंग करनी, तभी आपको हिंदी पढ़नी अच्छे से आएगी। ठीक है, तो ये आज आपका 2 work है, एक राइटिंग वर्क, एक रीडिंग वर्क। राइटिंग वर्क, चित्रों के नाम आपको लिखने, राइटिंग करनी और ई मात्रा के शब्दों की रीडिंग। ओके, बाय बाय।